नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं धमाकेदार 50। राजस्थान के भरतपुर में मॉर्निंग वॉक पर निकले दो छात्रों को एम्बुलेंस ने टक्कर मारी, एक की मौत, दूसरे को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गुजरात के आणंद में अमूल के एमडी आरएस सोढ़ी सड़क हादसे में घायल हुए, टायर फटने की वजह से कार पलट गई। जयपुर के यश मैरिजिन होटल में हथियारबंद बदमाशों का हंगामा, तोड़फोड़ के बाद होटल मैनेजर को देख लेने की धमकी देकर फरार हुए। बिहार के वैशाली में शादी समारोह में फायरिंग का वीडियो वायरल, बार बालाओं के साथ डांस के समय फायरिंग की गई। वाराणसी के लालपुर पांडेनगर में शूटआउट कांड का पर्दाफाश, शूटर अनुज झा समेत तीन गिरफ्तार। यूपी के पीलीभीत में दर्दनाक हादसे में 10 लोगों की मौत, 7 जख्मी, हरिद्वार से स्नान करके लौट रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना पर शोक व्यक्त किया। यूपी के हमीरपुर में एक ऑटो और पिकअप की जोरदार टक्कर हुई, हादसे में 8 लोगों की मौत हुई। सीएम योगी ने हर संभव मदद के निर्देश दिए। हरियाणा के सोनीपत में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 एमबीबीएस छात्र जिंदा जले, 3 छात्रों को रोहतक पीजीआई में भर्ती करवाया गया, मूर्थल के ढाबे से खाना खाकर लौट रहे। कर्नाटक के मंडिया में जेडीएस विधायक ने आईटीआई कॉलेज के प्रिंसिपल को थप्पड़ मारा, मारपीट और गाली गलौज करने का वीडियो वायरल हुआ। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नगर निगम की लापरवाही, पानी से भरे गड्ढे में टायर आने से रिक्शा पलट गया, जिम जाते वक्त महिला डॉक्टर हादसे का शिकार होने से बाल बाल बची। रुद्रप्रयाग में एक शख्स ने मोबाइल टॉवर पर चढ़कर हंगामा किया, अवैध वसूली के आरोप में प्रशासन ने टेंडर निरस्त कर दिया था। अयोध्या में राम की पैड़ी पर स्नान कर रहे दंपति की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ, पीड़ित पक्ष की तरफ से अब तक शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। एमपी के देवास में नगर निगम चुनाव को लेकर नॉमिनेशन वापस लेने के समय पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिला, पार्षद पद की निर्दलीय उम्मीदवार नामांकन वापस लेने के बाद भावुक हुई। हरिद्वार में एक शख्स ने सीवर लाइन के मेन होल का ढक्कन चुराया, कबाड़े का काम करने वाले शख्स की चोरी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड की। यूपी के मेरठ में नवनीत शर्मा नाम के शख्स ने 11 साल में 6 फीट लंबी मूछ उगाई, मूछ किंग बनने के लिए दीवानगी जाहिर की। गुजरात के अहमदाबाद में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल जारी है, 1 साल की बॉन्ड सेवा में राहत की मांग कर रहे हैं। बिहार के दानापुर में मोबाइल छीनने वाला फरार, लोगों ने गुस्से में आरोपी की बाइक को आग के हवाले कर दिया। चंडीगढ़ की फर्नीचर मार्केट में आग से लाखों का नुकसान हुआ, दमकल कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। बिहार के समस्तीपुर में पेट्रोल पंप के पास ट्रक में आग लगने की से अफरा तफरी मची, स्थानीय लोगों की मदद से दमकल की टीम ने आग बुझाई। राजस्थान के जालौर में शादी समारोह में खाना खाने के बाद 150 लोगों की तबीयत बिगड़ी, इलाज के बाद 80 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। शाहदरा साइबर थाना में दिल्ली पुलिस की टीम पर चाकू से हमला कर दिया गया, 5 पुलिसकर्मी समेत 1 होमगार्ड घायल, आरोपी से पूछताछ चल रही है। यूपी के उन्नाव में शराब के नशे में पोते ने अपने दादा की फावड़े से बेरहमी से हत्या कर दी, अभी तक आरोपी का सुराग नहीं लग पाया है। विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले इंटरनेशनल रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, एयरपोर्ट पुलिस ने आरोपी पति पत्नी समेत यात्री को गिरफ्तार किया, 18 पासपोर्ट, 11 डेबिट कार्ड, कैश बरामद हुआ है। असम में कई जिलों में बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। असम के चिरांग में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, एसडीआरएफ की टीम ने प्रभावित लोगों को रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया। असम के बंगाईगांव में बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं, रिहायशी इलाकों में कई फीट पानी भर चुका है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। बांग्लादेश में बाढ़ से लोगों का बुरा हाल हो गया है, पानी में कई जिले डूब गए हैं, मौसम वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन को बर्बादी की बाढ़ के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास तेज धमाके से सनसनी फैल गई, धमाके की वजह का अभी खुलासा नहीं हो पाया। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फीले तूफान की चपेट में कई लोग आ गए, सेना के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद इन लोगों का रेस्क्यू किया। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर जमीन धंसने से ट्रैफिक बंद हो गया, अमरनाथ यात्रा के लिए खास खाद्य सामग्री और दूसरे सामान से लदे 30 से ज्यादा ट्रक लखनपुर में रोक दिए गए।
जम्मू कश्मीर के माछुल सेक्टर में सेना अलर्ट पर है। एलओसी पर जवान अत्याधुनिक हथियारों के साथ दिन रात गश्त कर रहे हैं, सीमा पार से होने वाले दुश्मनों की घुसपैठ को नाकाम कर दिया। गाजीपुर में बाहुबली मुख्तार अंसारी पर शिकंजा, पत्नी अफसा अंसारी की 3.50 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। यूपी के जौनपुर में अग्निपथ योजना के विरोध में हुई नुकसान की भरपाई के लिए प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई, उपद्रवियों से 40 लाख की वसूली की जाएगी, 46 आरोपी गिरफ्तार किए गए। कानपुर हिंसा के समय रुमाल लहराने वाले युवक की पहचान हुई, आरोपी को बाबा बिरयानी का कर्मचारी बताया जा रहा है। कानपुर हिंसा मामले में एसटीएफ ने जांच में खुलासा किया है, सूत्रों के मुताबिक हिंसा फैलाने वालों को 500 से 1000 रुपए तक दिए गए। पीएम मोदी ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर का उद्घाटन किया, बोले सरकारी काम को सही समय पर करना हमारा लक्ष्य। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया, इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के विकास के संकल्प को दोहराया। एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू दिल्ली पहुंची, कल राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन करेंगी। दिल्ली पहुंचने से पहले ओडिशा के भुवनेश्वर में एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने पर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी वेशभूषा में लोक नृत्य किया। 27 जून को विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा नामांकन दाखिल करेंगे, उसके बाद कई राज्यों का दौरा कर विधायकों से मुलाकात भी करेंगे। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने लिया ग्रीन इंडिया चैलेंज, रामोजी फिल्म सिटी में पौधे लगाए, लोगों से पर्यावरण की रक्षा करने की अपील भी की। देश में एक दिन में कोरोना के 13,313 नए मरीज सामने आए, 24 घंटे में संक्रमण से 38 लोगों की मौत, एक्टिव मरीजों की संख्या 83,000 के पार पहुंची। दुनिया भर में तेजी से फैल रही है मंकी पॉक्स को लेकर आज WHO का बड़ा फैसला हो सकता है। WHO तय करेगा कि क्या मंकी पॉक्स के प्रकोप को वैश्विक आपातकाल घोषित किया जाना चाहिए। अमेरिका के न्यूयॉर्क में जब्त की गई बाइकों पर चला बुलडोजर, मेयर ने शहर की सड़कों पर अवैध रूप से चलने वाले वाहनों को खतरनाक बताया। यूक्रेनी सेना ने रूसी टैंक तबाह कर दिए, रूस के टैंक पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर जलाने का वीडियो सामने आया। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे चेचन लड़ाके के गोलीबारी का वीडियो सामने आया, अत्याधुनिक हथियारों से चेचन लड़ाके यूक्रेनी सैनिकों पर फायरिंग करते नजर आए। अफगानिस्तान में भूकंप ने तबाही मचाई है, भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर करीब 1700 पहुंची, जबकि 2500 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। अर्जेंटीना में डीजल की किल्लत के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों ने आंदोलन शुरू कर दिया है, कई जगह हाईवे पर जैम लगा दिया। यूक्रेन रूस युद्ध की वजह से डीजल की कमी हो गई है और कीमतें बढ़ चुकी हैं। इक्वाडोर में ईंधन की महंगाई को लेकर प्रदर्शन हिंसक हुआ, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की तस्वीरें सामने आई।